सुनेरिया में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है। परेड में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद हुए हैं सीएम नायब सैनी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, कार्यक्रम को लेकर सीएम सैनी ने परेड का निरीक्षण किया है। पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर कार्यक्रम में मौजूद है। वही पीटीसी सुनेरिया में ट्रेनिंग लेने वाले पुलिस के जवानों के लिए कार्यक्रम किया गया है। परेड के बाद सभी जवान ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पीटीसी सुनेरिया में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है। परेड में बतौर मुख्य अतिथि सीएम नायब सैनी मौजूद है। कार्यक्रम को लेकर सीएम सैनी ने परेड का निरीक्षण किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, और पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर कार्यक्रम में मौजूद है। परेड के बाद सभी जवान ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्षवर्धन शर्मा रोहतक से जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही, पीटी सुनेरिया में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया है, क्या अपडेट? देखिए दीक्षा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है रोहतक के सुनारिया जेल में पहुंचे और वहां पर पासिंग आउट परेड का जो है उन्होंने उसके अंदर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। और फिलहाल की अगर हम बात करें तो जवान जो है वो परेड कर रहे हैं और उसके बाद जो है परेड पूरी होने के बाद जवान अपने अपने ड्यूटी पर चले जाएंगे। टीम के साथ मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा के जो डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर, वो भी रोहतक के सुनारिया जेल पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा रोहतक के आईजी और रोहतक के एसपी भी जो है सुनारिया जेल के अंदर मौजूद हैं और पासिंग आउट परेड अभी लगातार जारी है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए हर्षवर्धन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, कुपवाड़ा के लोलाब में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी ढेर किया गया है। सेना का एक जवान भी मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। सेना ने बताया कि कुपवाड़ा के कोबूत में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान आज सुबह बुधवार को आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू किया गया। आपको बता दें, मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हो गया है, उन्हें फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। इंडियन आर्मी के विचार कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑपरेशन की जानकारी शेयर की है। आपको बता दें, यहां अभी भी सेना और आतंकियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी चल रही है। तो मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी ढेर किया गया है, सेना का एक जवान भी मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है। कुपवाड़ा के लोलाब में ये मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यहाँ मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी ढेर किया गया है।